नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के रीवा जिले के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्योथर परिसर में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को राष्ट्रहित एवं शिक्षा हित के दायित्वों के निर्वहन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि शिक्षकों का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। वह देश के लिए ऐसी पौध तैयार करें जो भविष्य में भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि शिक्षक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुपंथ की ओर चलने की सीख विद्यार्थियों को दें, ताकि वह विद्यार्थी राष्ट्र को सब देने में सक्षम हो सके। श्री गौतम ने कहा कि शिक्षकों के पास सूरज की किरणों जैसा ज्ञान का भंडार होता है, जो अपने विद्यार्थियों को समान रूप से प्रदान करते हैं। अतः शिक्षक ऐसा प्रयास करे कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा से राष्ट्र निर्माता पैदा हों। विधानसभा अध्यक्ष ने अपेक्षा की कि मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहे सीएम राज स्कूलों में रीवा जिले से अधिक शिक्षकों का चयन हो। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मांगे व समस्याओं के निराकरण के लिए शासन स्तर से सभी प्रयास कराए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की बालिकाओं द्वारा हैंडपंप लगाने व बाउंड्री वॉल निर्माण के आग्रह को गंभीरता से सुना तथा अधिकारियों को शीघ्र कार्य कराने के लिए निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने सेवानिवृत्त शिक्षक राजन सिंह सिकरवार का सम्मान किया। उल्लेखनीय है कि शिक्षक श्री सिकरवार ने सेवानिवृत्त होने के उपरांत अपने स्वयं के व्यय से शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बदराव में 5 कमरों का निर्माण कराया है। मंच का संचालन ओम प्रकाश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का सर्वविशिष्ट अतिथि भाजपा नेता कौशलेश तिवारी, तिवारी लाल श्री सरजेश पांडे, गंगा प्रसाद द्विवेदी, कौशलेश तिवारी, राम नरेश निष्ठुर एवं राम नारायण शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कर्मचारी संघ तृतीय वर्ग कर्म संघ अध्यक्ष श्याम बिहारी तिवारी, आजाद अध्यापक संघ अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का शॉल एवं श्रीफल से स्वागत अभिनंदन किया गया। शिक्षक संघ की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का अभिनंदन पत्र सौंपा गया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। इस अवसर पर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के अधिकारी सनंद त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी त्योथर संजीव पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय, सहायक संचालक केपी तिवारी, त्योथर एसडीओपी समरजीत सिंह, त्योथर जनपद पंचायत सीईओ राहुल पांडे, नगर परिषद सीएमओ सुषमा मिश्रा, बीईओ हरिमणि शर्मा, बीआरटीसी नीरज नयन तिवारी, कृष्ण शुक्ला, अनिल सिंह, रवि कुमार मिश्रा सहित जिले के शिक्षक, त्योथर विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्रा उपस्थित रहे। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।